सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा कर शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी द्वारा किए गए सर्वे का खुलासा किया और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर अन्य किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बीजेपी को सलाह दे डाली। देखिए, अब बात ये है कि इंदौर का होना जरूरी थोड़ी। अब मैं तो कहूँ कि शिवराज चौहान खुद ही है, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा खुद ही है, वित्त मंत्री है, खजाना तो खाली पड़ा है वित्त मंत्री का, तो ये जहरीली शराब वालों से पैसा टैक्स वसूल रहा, यही कमाई है उनकी, तो ये लोग सरगर हैं। देखिए, मैंने तो बहुत जल्दी पहले भी आपसे जब मुखातिब हुआ था, मैंने कहा था बड़ी तेज़ी से अंदर ही अंदर सुगबुगाहट चल रही है। येदुरप्पा, यू नो वेरी वेल, कर्नाटक में येदुरप्पा, असल में क्या है, हाईकमान और आरएसएस, इन दोनों का जो अंदरूनी सर्वे हुआ है उसके मुताबिक शिवराज चौहान के चेहरे से काम नहीं चल रहा है। शिवराज के रहते नेगेटिविटी इस प्रदेश में बढ़ रही है, आम जनता बीजेपी के खिलाफ है, आक्रोशित महसूस किया जा रहा है। ये आकलन आरएसएस का भी है इंटरनल और बीजेपी का भी है, मुझे ऐसा लगता है। नेहरू जी की आत्मा कब तक सताएगी मोदी को और उनके चेले चपाटियों को, यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या गजब का झूठ बोलने वाले यार, मैं कहता हूँ वारी आरएसएस क्या गजब सिखाती है तू, झूठ बोलने का काम, भाव तुम बढ़ाए जा रहे हो, टैक्स वेट टैक्स से लेके एक्साइज टैक्स तुम वसूले जा रहे हो, पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है डीजल पेट्रोल पे, उसी की वजह जब डीजल पेट्रोल महंगा है तो परिवहन महंगा, जो भी सामान मध्य प्रदेश में आएगा खाद्य सामग्री वो महंगी होगी। अब इस पर हम पे दोषारोपण, अब मैं एक बुरा शब्द बोलना नहीं चाहूँगा, हर बात का हम आपके घर में भी कुछ हो जाए तो हम पे आरोप लगाओ, ये गलत है भाई, कि आपकी दुकान में सामान नहीं बिक रहा तो बीजेपी कांग्रेस कारण, कोई नया सामान आ गया तो कांग्रेस कारण, हम क्या। प्रतिभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।